cherish. And what a moment for the fans as well. Beautifully bowled, finger is red. Oh, massive moment in this game. बहुत बड़ी फतह है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मत भूलिए यहाँ पे आके कुछ काम खराब हो जाता था, जैसे कि एक मेंटल ब्लॉक था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को हराना। 2013-14 में आखिरी दफ़ा ये सीरीज जीते थे, सो इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा मोमेंट है। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अंडर अ यंग लीडर पाकिस्तान और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी विक्ट्री से आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिखने को मिली, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखने को मिली टॉप ऑर्डर से। टॉप थ्री ने बल्ले के साथ ये सीरीज़ को सेट किया, बॉलिंग ने फिर आके विकटें ली और ये सीरीज़ जिताई, मगर मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम है पाकिस्तान को और ये एड्रेस इशू करना है, क्योंकि पर विकेट की जो एवरेज है पार्टनरशिप वो 14 रन्स की है, सो ये काफ़ी नहीं है। और फिर दो कीपर्स को खिलाना, इसका मतलब ये है कि आप मिडल ऑर्डर में अभी तक कोई एक सेट बैट्समैन को इन्वॉल्व और एंगेज नहीं कर सके। और बहुत बड़ा एक हमारा तरह से टैलेंट का स्प्रेड है, किसी ना किसी को आके वहाँ पे फिट होना है। शायद हैदर अली पे चांस लिया जा सकता है, उनके पास टैलेंट है, वो बड़ी शॉट्स भी लगा सकते हैं, फिनिशर बन के उभर सकते हैं, सो उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बट ओवरऑल एनर्जी दिखी इस मैच में और एक तरह से पाकिस्तान ने जब 320 किया तो मैच आधा अपने काबू में कर लिया। और ये 320 ना होते अगर आखिरी के दो ओवर्स में छक्के ना लगते। हसन अली ने 4 छक्के लगाए, इसी तरह से बाबर आजम ने 2 छक्के लगाए और फिर ये काम 320 तक पहुंचाया। यंग टीम थी ये साउथ अफ्रीका की इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, मगर उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, उनको तो जो ऑपोजिशन मिली उनको हराना था। और क्रंच मैच में वैसे ही प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होती है, सो बहुत बड़ी फतह इस लिहाज से भी, मगर ये सीरीज़ हमेशा से याद रखी जाएगी फ़खर जमान की बैटिंग प्रॉस, बैटिंग जीनियस पे, क्योंकि बाहर होते होते इस टूर पे वो वापस आए और बहुत प्रेशर होगा उन पे क्योंकि टेक्निकल मिसाइल चल रहे थे, मगर यहाँ से स्ट्रांग दिखे, कामनेस भी दिखी, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, एक उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, दूसरा उनके पास प्लान बहुत सुथरा सा था, सिंपल प्लान था कि खड़े रहो आराम से 50 करो उसके बाद पेस बढ़ाते जाओ। तो ये बहुत ही बड़ी इनिंग्स वो खेले आज भी और इससे पहले भी, बैक टू बैक हंड्रेड्स करना साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी बात होती है। और बाबर आजम के पास सिल्की टच है, पाकिस्तान के सबसे शानदार बैट्समैन है वो, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये भी दिखा उनकी तरफ से। मैं यही समझता हूँ कि इस विक्ट्री के बाद पाकिस्तान की टीम बहुत आगे जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ही आला है। आज शाहीन शाह अफरीदी गर्म दिखे, अच्छे दिखे, हारिस रऊफ एक बहुत बड़ा टैलेंट है वाइट बॉल क्रिकेट में और मुश्किल सिचुएशंस में आके वो बॉल करते हैं, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिन, उनको बैटिंग अपनी और इम्प्रूव करनी है। और इसी तरह से उस्मान कादिर हमेशा खेलना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक रेगुलर बॉलर होता है तो फिर आप उस पर तकिया कर सकते हैं, और फिर उनके पास फ्लिपर भी है, गुगली भी है, और उनका नाम भी बाऊजी जो है वो कीपर ले रहे थे, मुझे याद आ गया इनके वालिद की उनको भी बाऊजी कहते थे। बट सारे जो बॉक्सेस टिक किए पाकिस्तान ने और बहुत अच्छी फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कम द T20s, मगर ये सीरीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ याद रखी जाएगी फ़खर जमान की ब्रिलियंस की वजह से।